आज के लेक्चर के अंदर हम फेडरल सिस्टम देखेंगे और फेडरल सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं वो भी देखेंगे। देखो, फेडरल सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ से असर्शन और रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपकी वहां पर जो अंडरस्टैंडिंग है, कितना आपकी समझ है उस चैप्टर के बारे में, कि उस चीज के बारे में, वही देखा जाता है। अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि वैसे आप ठीक कर लो, लेकिन असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन पूरी तरह से मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, एनालाइज करके आपको उनको क्वेश्चनों को करना होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तभी आपके वो क्वेश्चन सही होते हैं। तो अब देखते हैं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ कि जब स्टेट होता है, देखो स्टेट का मतलब क्या होता है, हम स्टेट बोलते हैं तो स्टेट का मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान, स्टेट का मतलब होता है नेशन, कि हमारे पास नेशन क्या हो गया हमारा, इंडिया। और आर्टिकल वन क्या कहता है, आर्टिकल वन ये कहता है इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल वन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत जो है एक नेशन है। अब किसी भी कोई मान लो स्टेट है तो उस स्टेट के लिए डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी आपसे, अगर आपको पता हो तो। वैसे इस डेफिनेशन में ये जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई, यहाँ से लिखकर यहाँ तक, इस डेफिनेशन के अंदर स्टेट की सारी चीजें लिखी हुई, सारी परिभाषा लिखी हुई है जो भी स्टेट में जरूरत होती है जिन जिन चीजों की। जैसे बहुत ही कीवर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस, कम्युनिटी ऑफ द पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाई। मतलब देखिए, आपके पास कम्युनिटी ऑफ द पर्संस होनी चाहिए, मतलब लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। किस पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, कि आपके पास एक लैंड का टुकड़ा हो और उस लैंड के टुकड़े पर लोग हों, समझ गए। तो दो चीजें होनी चाहिए स्टेट बनने के लिए, दो चीजें होनी चाहिए। पहली स्टेट पहला पहली चीज क्या है, एक जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, लैंड होनी चाहिए आपके पास, टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरा, उस टेरिटरी पर लोगों का रहना जरूरी है परमानेंटली, ऐसा नहीं कि कोई टूरिस्ट आया और चला गया, नहीं, परमानेंटली उस पर रहना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल कंट्रोल। इंडिपेंडेंट शब्दों पर ध्यान देना, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब इस पर जो रहने वाले जो लोग हैं वो सॉवरन है। सॉवरन का मतलब ये है कि जो आउटसाइड की पावर है, बाहर की जो पावर है, उसके इंटरफेरेंस करने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती इस जमीन के टुकड़े के अंदर, इन्हीं लोगों की चलती है, ये सॉवरन है, अपने लॉज रूल रेगुलेशन बनाएंगे, ये इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है इनको किस टाइप के रूल रेगुलेशन बनाने, बाहर के लोगों की यहाँ पर कुछ नहीं चलती है, तो मतलब सॉवरन है ये। दूसरा, पोसेसिंग ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, और यहाँ पर लोगों ने गवर्नमेंट बनाई हुई है। तो किसी भी जो कोई भी स्टेट है उसके लिए चार चीजों का होना जरूरी है, नंबर एक पॉपुलेशन, दूसरा जमीन का वो टुकड़ा जिसको टेरिटरी बोलते हैं, और गवर्नमेंट और सॉवरनिटी। गवर्नमेंट होनी चाहिए उस देश में, अगर गवर्नमेंट नहीं है तब भी आप उसको सॉवरन नहीं बोलोगे। और सॉवरनिटी, सॉवरनिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की जो इंडिपेंडेंस, मतलब उसके अंदर जो भी वो देश पूरी तरह से इंडिपेंडेंस, अपनी जो रूल रेगुलेशन बनाने में वो किसी पर डिपेंड नहीं है। क्या एक थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बात आता है, क्या श्रीलंका और ये जो मालदीव वगैरह है, क्या ये सॉवरन है? देखो ये सॉवरन नहीं है, आपको मैं बताऊं, और पाकिस्तान भी सॉवरन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को आप सॉवरन थोड़ा बहुत जो है, पाकिस्तान के पास एटॉमिक वेपन है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत डर है, अदरवाइज पॉपुलेशन जो पाकिस्तान है वो कोई सॉवरन नहीं है वहां पर, क्योंकि ये सब चाइनीज की टेरिटरी बन गई है, चाहे मालदीव हो गया और श्रीलंका भी ये जो है, तो सॉवरन नहीं है। जैसा वो चाइनीज बोलेगा वैसे ही वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं, तो सॉवरन नहीं है। तो ये वाला जो एलिमेंट है पाकिस्तान के केस में, और अभी धीरे धीरे ये एलिमेंट जो है जो नेपाल के केस में भी मिस हो रहा है, तो ये जो एलिमेंट है, ये सॉवरनिटी का जो एलिमेंट है, उनका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। गवर्नमेंट है, पपेट गवर्नमेंट है, जैसा कि मालदीव के अंदर हो गया पपेट गवर्नमेंट है, उसको चाइनीज कंट्रोल करते हैं, श्रीलंका के अंदर भी यही हाल है, बहुत से देश है जहां पर पपेट गवर्नमेंट है, तो सॉवरनिटी नहीं है वहां पर। तो आप बोल सकते हैं वो जो स्टेट होते हैं वो जो एक स्टेट नहीं है, वो जो देश है वो स्टेट नहीं है, वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आती, वो आप उसको बोल सकते हैं किसी दूसरे देश की, मतलब बाहर का कोई देश इंटरफेरेंस कर रहा है उसकी वजह से जो है वो उसी की पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं किसी बाहर के देश की, ना कि अपनी। तो ये हमारे पास स्टेट की डेफिनेशन है, स्टेट से क्वेश्चन पूछे गए इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब फेडरल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये जो है फेडरल शब्द के बारे में वैसे नहीं आना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है कि आपसे पूछ ले, ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब फीडस, फीडस का मतलब होता है एग्रीमेंट और ट्रीटी, समझते जरा ये है क्या चीज। देखो
अभी मैं जरा अभी थोड़ा सा एक दो स्लाइड और पढ़ा दूँ, उसके बारे में बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, फेडरल का मतलब क्या है, क्या हमारा देश फेडरल है। तो देखिए, सबसे पहले जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फेडरल सिस्टम, जो ओल्डेस्ट फेडरल सिस्टम है, जो फेडरल को अपनाया था, वो यूएसए है। क्यों? क्योंकि जब अमेरिकन रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया 1775 से लेकर 1783 तक चला, तो इसको 1787 के अंदर इन्होंने फेडरल सिस्टम बनाया। फेडरल सिस्टम का मतलब जरा समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। देखो, जब वहां पर ज्यादा बड़ी स्टेट नहीं थी, छोटी छोटी स्टेट थी, फाइनेंशियली वीक स्टेट, ये इन स्टेट्स ने अपने जो रिसोर्सेस थे उनको एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया, बड़ी सी जगह, ठीक है, अपनी पावर को एक जगह बांट दी, अपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया कि हम जो है किसी भी, जैसे वहां का डोनाल्ड ट्रंप है, तो उन्होंने सारी पावर वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको दे दी। तो फेडरल सिस्टम में होता क्या कि जो बड़ी बड़ी, जो छोट मतलब कि वीक यूनिट, छोटी छोटी यूनिट, वो क्या करती, एक साथ आती हैं, एक साथ आने के बाद अपने रिसोर्सेस को, अपनी पावर को एक किसी चीज पर इकट्ठा कर देती है और उसको ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो ये क्या होती है, ये अपनी मर्जी से आई है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी ने किसी ने फोर्स किया कि भाई जबरदस्ती तुम एक फेडरल सिस्टम बना लो, एक तो अपनी मर्जी से आई है। तो ऐसा जो फेडरल सिस्टम होता है वो यूएसए के अंदर, जहां पर वहां के जो बारी जो जो वीक स्टेट थे उन स्टेट में वो एक साथ आए और वहां का फेडरल सिस्टम तैयार किया। तो फेडरल सिस्टम कुछ नहीं होता, एक टाइप के मिली जुली, और आप बोल सकते हो सरकार तो नहीं बोलेंगे, मिली जुली एक लोग आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया के अंदर भी क्या फेडरल सिस्टम है, इसके बारे में कंट्रोवर्सी है, तो हम देखेंगे कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम ये, और इस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछा है यहाँ से। तो जैसे आज का जो हमारा गवर्नमेंट है, जो पोलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने आज की जो गवर्नमेंट है उनको दो पार्ट में डिवाइड करके, एक यूनिटरी और एक फेडरल। तो यूनिटरी, जैसे कि हम यूएसए के, उसके चाइना के बारे में बात करते हैं, देखो चाइना के अंदर है क्या, चाइना के अंदर यूनिटरी सिस्टम चलता है। तो यूनिटरी सिस्टम होता क्या है, जैसे वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट हो भी सकती है यूनिटरी सिस्टम में, स्टेट गवर्नमेंट नहीं भी हो सकती है। अब अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट बना रखी, तो वो अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है। अब फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, फेडरल सिस्टम के अंदर जैसे कि मान लो इंडिया, इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर क्या फेडरल है, तो फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है और कुछ पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पावर अलग अलग दे रखी है, कुछ पावर दे रखी है हमारे पास जो लोकल बॉडी होती है उनको। तो यहाँ पर ऊपर वाले सिस्टम में, चाइनीज सिस्टम में क्या है, चाइनीज सिस्टम में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ली गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की, जो वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो लोकल अथॉरिटी या लोकल यूनिट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेती है। लेकिन फेडरल सिस्टम के अंदर ये होता है कि पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ना कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, उनको जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो यही फर्क होता है यूनिटरी सिस्टम और ये। तो हमारे यहाँ पर देश के अंदर फेडरल सिस्टम है और कुछ एलिमेंट जो है यूनिटरी सिस्टम के अंदर, इंडिया के अंदर। तो दो फेडरल सिस्टम दो टाइप से बनाया जा सकता है, एक तो कमिंग टुगेदर और एक होता है डिसइंटीग्रेशन। कमिंग टुगेदर का मॉडल का वो होता है, मैंने अभी उसके बारे में आपको बताया यूएसए के बारे में। तो यूएसए के अंदर क्या है कि वहाँ की जो, जब ये अमेरिकन रेवोल्यूशन आया उसके बाद वहाँ की जो वीक स्टेट थी वो एक साथ आई, और एक साथ होकर उन्होंने अपने जो रिसोर्सेस तो एक जगह जमा किया और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो छोटी छोटी वीक स्टेट जो मजबूत होगी, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी उनको अटैक करता है तो उन्होंने अपने रिसोर्सेस एक जगह जमा करके रखे हुए हैं और फिर उन्हीं रिसोर्सेस को यूज करके वो उस एनिमी पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई वीक होगा तो वीक पर आसानी से एक एक करके कब्जा किया जा सकता है, जैसे इंडिया के अंदर हुआ था। तो वीक स्टेट थे, वीक स्टेट की वजह से जो है ब्रिटिश एम्पायर था, उन्होंने एक हैदराबाद पर कब्जा किया, फिर मैसूर पर। तो ये क्या है, वीक स्टेट के सिम्टम होते हैं। तो फेडरलिज्म जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गनेस का एक सिंबल है। अब फेडरलिज्म दो टाइप से बनाया जा सकता है, या तो ये हो सकता है वीक स्टेट एक साथ आए, या ये हो सकता है कि बड़े से एक बहुत बड़ा एम्पायर उसमें बहुत सारे पार्ट को डिवाइड कर दिया जाए, एक ठीक है कि डिसइंटीग्रेट कर देना, जैसे कि कनाडा है, कनाडा बहुत बड़ा सिस्टम है, तो कनाडा के अंदर उन्होंने प्रोविंसेस बना दिए, ये इनको अपनी पावर दे रखी है, ठीक है, इनको पावर दे रखी है। लेकिन कनाडा के अंदर फेडरल सिस्टम, लेकिन ये जो ये इतने पावरफुल नहीं होते स्टेट, जैसे देखो ये बड़ा सा एक जमीन का टुकड़ा है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े बांटती है ये, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को पावर दे रखी है, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े जो है स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन इन इन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में इतनी पावर नहीं होती है कि ये अलग से ही टूट का देश बन जाए, कि भाई ये अगले दिन को यहाँ से डिमांड उठने लगे कि भाई हमको तो अलग से ही अपना नड्डा देश बनाना है, कनाडा के अंदर नड्डा देश बनाना है, तो हम तो इतनी इनके इनके हाथ में पावर नहीं है। तो जो कनाडा का मॉडल है वो भी फेडरल है लेकिन डिसइंटीग्रेशन वाला, तो उसने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो है जो क्योंकि एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा, उसको इतने बड़े पर आपको जो है थोड़ी थोड़ी पावर देनी पड़ेगी।
अब बात करते हैं इंडिया के सिस्टम के बारे में, हम बात करेंगे कि इंडिया का सिस्टम कैसा है। देखो इंडिया का सिस्टम जो है, इंडिया का सिस्टम फेडरल है, फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, लेकिन कंट्रोवर्सी है, जरा देखते हैं क्या। देखो इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम को अपनाने के दो रीजन थे, एक तो इंडिया का बहुत बड़ा साइज है, इंडिया एक बहुत बड़ा, और यहाँ पर अलग अलग धर्म के अलग अलग मतलब सोशियो डाइवर्स सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी तो, और उनकी जितनी भी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना यूनिटरी सिस्टम को, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ऊपर से आया हुआ लॉ सभी जगह थोपना पड़ेगा, चाहे वो जरूरत हो या ना हो, या फिर आपको किस जरूरत किसी लॉ की है लेकिन आपके ऊपर थोपा कोई दूसरा लॉ जा रहा है। अब हमारे यहाँ पर जो जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 ये कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब, आर्टिकल 1 क्या रहता है कि जो इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट, एक जो हमारा ये यूनियन है वो स्टेट, मतलब उसमें बहुत सारी स्टेट मिलकर उन्होंने यूनियन, लेकिन ये जो स्टेट है ना ये, अब जरा इसके पीछे कहानी सुनो कि है क्या। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ तो 565 अलग अलग डेटा हो सकता है, 565 जो है रजवाड़े थे, छोटे मोटे 565 छोटे मोटे रजवाड़े थे। जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर ये बोला गया, जब 3 जून को माउंट बैटन प्लान आया, तो माउंट बैटन प्लान के अंदर ये बोला गया भाई पाकिस्तान और इंडिया दो सॉवरन देश बनेंगे, और जो राजा थे जो वहां की प्रिंसली स्टेट थी उनको ये बोला गया कि जो राजाओं के ऊपर डिपेंड है वो चाहे पाकिस्तान के साथ जा सकती है, चाहे इंडिया में रह सकती है, या फिर अलग से ही कोई अपना देश बना सकती है। तो उसमें से जो राजा थे बहुत सारे ये कह रहे थे कि भाई हम अपना अलग से देश बनाएंगे। अब जरा एक छोटो इंडिया, एक भारत छोटा सा टुकड़ा, इसमें 565 छोटे छोटे, मतलब पूरी दुनिया में इतने देश नहीं होंगे जितने इस छोटे से टुकड़े में हो जाएंगे, लैंड के टुकड़े में। तो हालांकि उसको बाद में मतलब, तो यहाँ पर क्या किया गया, वो अलग प्रोसेस था कैसे किया गया, तो यहाँ पर जो है फेडरल सिस्टम अपनाया गया, तो इन सभी स्टेट जितने भी छोटे छोटे प्रिंसिपल स्टेट थे इन सबको मिलाया गया, चाहे किसी को डंडे के जोर पर किसी धमका कर कैसे भी इनको सबको इंडिया के अंदर मिला लिया गया। और ये जो छोटी छोटी यूनिट थी ना ये, ठीक है, जो छोटे मोटे रजवाड़े थे या प्रिंसिपल स्टेट या जो भी थे, इनको कमजोर रखा गया है। कमजोर क्यों रखा गया है, क्योंकि देखो अगले दिन जैसे मान लो कि हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ले लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश ले लेते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को इतनी पावर दी गई जो अपना वो जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके, लेकिन उसको इतनी भी पावर नहीं देगी, अगले दिन वो उसके अंदर डिमांड उठने लगे कि भाई हम तो टूट कर चाइना के साथ जाना चाहते हैं, चाइना अच्छा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। या फिर उसको ले ले, हम पंजाब को ले ले, पंजाब के अंदर जैसे खालिस्तान की मांग उठती है कि भाई हम जो है पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं उसके अंदर अगले, तो उनको इतना भी पावरफुल नहीं बनाया गया है। तो हमारे यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है लेकिन वीक स्टेट। देखो हमारे यहाँ पर के जो स्टेट, जो देखिए दो चीजें समझो, यहाँ पर सेंटर स्ट्रांग है, हमारे फेडरल सिस्टम के अंदर जो सेंटर है वो स्ट्रांग बनाया गया है। सेंटर का मतलब मोदी गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, ममता बनर्जी का जो वेस्ट बंगाल है उसको तोड़ कर उसकी यूनियन टेरिटरी बना सकती है, कुछ भी बना सकती है वहां पर, वो ज्यादा आनाकानी नहीं कर सकती। स्टेट स्टेट को रखा गया वी काफी मजबूत रख वो काफी मतलब उनको कमजोर रखा गया है। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ पर, तो ये हमारा हमने जो मॉडल अपनाया है वो कैनेडियन मॉडल अपनाया है, कनाडा के अंदर यही है कि उन्होंने जो स्टेट है उनको कमजोर करके रखा हुआ है। तो हमारा फेडरल सिस्टम, अगर ये पूछा जाए कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है किस पर बेस है, तो कैनेडियन मॉडल पर, कैनेडियन मॉडल पर बेस है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। उसमें कैनेडियन मॉडल में यही है कि जो सेंटर है उसको स्ट्रांग रखा गया, जो स्टेट है उनको कमजोर रखा गया। अब हमारे जो ये जो है यहाँ पर अम्बेडकर साहब, इन्होंने फेडरल के बारे फेडरल हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम के बारे में कुछ बोला है, जैसे मैंने ये बोला था शब्द हमारे यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 के अंदर। देखो आर्टिकल 1 पढ़ो आप, ये आर्टिकल 1 कहाँ गया, हाँ ये लिखा हुआ है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत डेस्क्राइब एज यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरल फेडरेशन ऑफ द स्टेट। तो अंबेडकर साहब ने ये बोला था कि हम यूनियन ऑफ स्टेट बोलेंगे ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट बोलेंगे। फेडरेशन शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये याद रखना, कहीं लिखा हुआ है कि भारत क्या इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट है, बिल्कुल गलत है, वो हमारा जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, समझ गए। तो ये शब्द ऐसे दो दो तीन चीजें हैं अलग अलग। एक तो ये कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको, जैसे मैंने कहा कि उनको इतनी पावर नहीं दी गई कि आज वो ये बोलने लगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के लोग ये बोलने लगे भाई हम तो कनाडा उसके साथ जाना चाहते हैं, चाइना के साथ जाना चाहते हैं, चाइना अच्छा डेवलपमेंट कर ले, तो उनको इतनी पावर नहीं दी गई वहां के। दूसरा हमारा जो जो फेडरेशन है मतलब इस टाइप का फेडरेशन नहीं है कि देखो अमेरिका के फेडरेशन के लोग को
खुद ही राजी हुए कि भाई ठीक है, हम जो है अपनी पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि उन पर अंटर चलाना पड़ा, उन पर डंडा चलाना पड़ा, जब ही जाकर वो एक जगह मतलब कहाँ हो रहे थे। तो ये तो 565 जो रजवाड़े थे और छोटे मोटे जो और भी थे जो प्रिंसली स्टेट थे, वो तो अलग ही चाह रहे थे। तो अब बताओ इतने देश हो जाते तो इन पर डंडा चला के इन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया। इसलिए जो है हमारा जो मॉडल है वो अमेरिकन मॉडल पर बेस नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया इंडिया के बारे में। तो देखिए इंडिया कंप्लीट फेडरल नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली फेडरल नहीं है। कुछ सिस्टम उसने यूनिटरी सिस्टम का उठाया हुआ है, तो कंप्लीटली फेडरल नहीं है। अब इसी को देखते हुए देखियो हमारे यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्वेश्चन बाद में करेंगे हम। हमारे यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पर हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? एक तो यूनिटरी सिस्टम का और फेडरल सिस्टम का। तो इसी को देखते हुए जो केसी वेयर था, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल का मतलब ये होता है कि जो यूनिटरी सिस्टम है और जो सॉरी एक सेकेंड गड़बड़ ठीक है ओके, पावर का कट हो गया था। तो मैं ये बता रहा था कि हाँ केसी वेयर ने ये बोला है कि ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने ये बोला जो इंडिया का जो सिस्टम है वो क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल का मतलब ये होता है कि इन्होंने कुछ जो जो फीचर है वो फेडरल सिस्टम से उठाए हैं, कुछ यूनिटरी सिस्टम से उठाए हैं। मतलब इन्होंने एक अच्छा बैलेंस किया है इसके अंदर, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर। जरा समझो, देखो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं। अब इन्होंने ये बोला है यहाँ पर, ये कहने का मतलब इनका ये है कि भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो इतना भी रिजिड नहीं है कि जितना कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। भाई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए वो बहुत ज्यादा रिजिड है, तो इतना आसान नहीं होता अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना भी रिजिड नहीं है जितना अमेरिका का, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बारे में फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना भी आसान नहीं है अमेंड करना जितना कि यूके का। देखो यूके के अंदर है क्या कि भाई वहां पर ये बोलते हैं वहां की जो पार्लियामेंट है वो इतनी पावरफुल है, मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बस जेंडर चेंज नहीं कर सकती वरना सब कुछ चेंज कर सकती है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वहां की यूके की पार्लियामेंट है। तो वो इतनी भी मतलब इतना भी सिंपल नहीं है हमारे इंडिया के अंदर कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है कि बहुत मुश्किल से उसको चेंज करें, समझ गया। तो दोनों रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सर है, मिश्रण है हमारे यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसी बात पर डीडी बसु ये कहते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर नाइदर भी प्योरली फेडरल नॉर भी न्यूट्री, मतलब ना तो पूरी तरह से फेडरल है ना तो पूरी तरह से यूनिटरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर जो ग्रैनविल ऑस्टिन है इन पर सबको क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी आप सोच रहे हो पीसीएस के अंदर, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बोला है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आप समझ गए। फिर अभी देखेंगे इन पर क्वेश्चन। और फिर डॉक्टर भीमराव गर अम्बेडकर ने ये बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट बीन, मतलब ये यही कहना चाह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना भी टाइट नहीं है कि उसको अमेंड ना किया जा सके, इतना भी इजी नहीं है कि उसको अमेंड ना किया जा सके, मतलब उसको मतलब कोई भी आकर उसको अमेंड कर सकता है। तो ये एक मतलब सभी एक ही थीम कहना चाहते हैं यहाँ पर कि भैया इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तीनों ये सभी के सभी कि वो मिक्सरण है यूनिटरी और फेडरल का, तो उसको आसानी से भी अमेंड नहीं किया जाता और मुश्किल भी नहीं होगी अमेंड करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंडियन का ये आ गया क्वेश्चन, आ गया काफी असरसन रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल, सही बात है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉन यूनिटरी। ये देखो क्वाजी फेडरल इसीलिए बोला जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो पूरी तरह से वो फेडरल है ना पूरी तरह से यूनिटरी, दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको इसको क्वाजी फेडरल बोला जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह ठीक है और ये जो रीजन है वो असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, तो बिल्कुल ठीक है। देखो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है ना जो तुक्केबाजी करते हैं या फिर टेस्ट सीरीज में लगे रहते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट सीरीज गलत होती है, प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नहीं है ना तो फिर वो आपने 20 टेस्ट सीरीज कर ली, 30 कर डाली, फलाना कर डाला, ढिमकाना कर डाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप देखोगे आपका सिलेक्शन होएगा नहीं, तो इतना आसान नहीं होता है। अब बात करते हैं फेडरल, दूसरा क्वेश्चन, फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको फेडरलिज्म समझ में आता होगा
और इंडिया का बड़ा होगा, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, वह तभी सॉल्व कर पाता। देखो, फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, क्या ये बात सही है या गलत है, पहला। तो दूसरा, फेडरलिज्म इज नॉट, इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, क्या ये बात सही है गलत। देखो, इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, इंडिया एक फेडरल स्टेट नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इंडिया एक फेडरल स्टेट है, शब्द भले से ही ना लिखा हुआ, लेकिन इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। और फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, बताओ ये बात सही है या गलत है। दूसरा तो पता लग गया ये बात स्टेटमेंट गलत है। दूसरा वाला देखो, इंडिया के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो पूरी तरह सा फेडरलिज्म को अपनाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और क्योंकि हमारा जो फेडरलिज्म है वो कमिंग टुगेदर मॉडल का नहीं है, डंडा मार के उनको जो ये जब देखिए, ये हैदराबाद जो था आपने सुना ही होगा, जूनागढ़ हो गया, और ये अभी भी जम्मू कश्मीर में लड़ाई चल रही है, तो ये कहाँ आ रहे थे इंडिया के साथ में, डंडे मार मार के लाए इनको, किसी को बंदूक की नोक पर लाए, किसी को डरा धमका कर लाए हैं, किसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके लाए हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी आए। तो इसीलिए इंडिया में पूरी तरह से फेडरलिज्म सिस्टम नहीं अपनाया गया है, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ फेडरलिज्म इज नॉट अ प्रैक्टिकल पॉसिबल, ये सही बात है स्टेटमेंट, तो इसकी वजह से ये देखो, अगर फेडरलिज्म प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, तो फिर जब उस जो वहां का जो राजा था जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का राजा हरी सिंह, तो वो उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर कब साइन करे, जब आधा आधे पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। अगर वो अपनी मर्जी से चाहता, अभी उसकी मर्जी थी, अगर उसकी अपनी मर्जी से चाहता कि ठीक है भाई हम इंडिया के साथ जाना चाहते, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हम किसी को दो मतलब कि ऐसा कोई कोई हम एक्सटर्नली पावर हम पर दबाव डाल रहा है, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज एक जगह इकट्ठा करेंगे, सारे स्टेट इंडिया के यही मिलकर करते हैं, तब हमारे यहाँ का ट्रू सेंस में फेडरलिज्म होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ट्रू सेंस में फेडरलिज्म नहीं है, इसलिए हम इनको ज्यादा पावर नहीं दे सकते, जम्मू कश्मीर में ज्यादा पावर नहीं देते। पता लगा महबूबा मुफ्ती की सरकार आ गई है, वो तो चली जाएगी, उसका क्या है, वो तो बगैर पहनने की लौटी है, उसका तो चलता ही उससे सिस्टम, वहां से क्या बोलते हैं पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान के साथ चली जाएगी, ये फारूक अब्दुल्ला ये सब, ये पाकिस्तान के साथ, ये सब पाकिस्तान के यही नुमाइंदे नुमाइंदे हैं ये, तो ये थोड़ी, ये आज अगर जम्मू कश्मीर में भैया अगर सरकार इनकी बन गई है, तो इनको और इनको पावर दे रखी है ज्यादा, ये तो चले जाएंगे पाकिस्तान के साथ में, समझ गए आप। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर को जो है, जो स्टेट है, स्टेट को इतना मजबूत नहीं रखा गया, उनको कमजोर करके रखा हुआ है। ये ज्यादा बड़बड़ा तो सकते हैं बाकी वहां के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ये कर दो वो कर दो, खून की नदियां बहा दो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये भाई उसके साथ चले जाए, पाकिस्तान के चले, इतनी पावर नहीं दे रखी इंडिया ने, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको समझ में आया होगा, इंडिया का ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेडरलिज्म के क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आ गया ये जी तब तो कर लोगे, मुश्किल आ गया ना तो पैर उल्टे कर देगा। हु सेड इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल, अभी केसी वेयर के बारे में हमने पढ़ा है, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म इज कॉर्पोरेटिव, ये ग्रेनविन ऑस्टिन के बारे में हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन पोलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमको ये बताना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एक सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है ऑफ द इंडियन पॉलिटी, गलत स्टेटमेंट पूछा है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, सही बात है। फेडरल पॉलिसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही बात गलत है। देखो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये क्वेश्चन ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। हु कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म कॉर्पोरेटिव, अभी मैंने आपको बताया था, आप बता सकते हो किसने बोला है। देखो क्या डीडी बसु ने बोला है, आईवर जेनिंग, देखो ये इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, अगर आपको देखो इस टाइप के स्टेटमेंट पर आपको रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म अभी मैं आपको बता रहा था, सॉरी, हाँ। तो ये हमारे पास जो है ये हमने कर लिया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चला गया क्वेश्चन हमारा, हाँ ये वाला जो, ये किसने बोला था, ये ऑस्टिन ने बोला था, ग्रेनविल ऑस्टिन। दूसरा तो यार कहाँ से आ गई, क्या होता है, हाँ द गिवन, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो पहला स्टेटमेंट है इंडियन फेडरलिज्म कॉल्ड द क्वाजी फेडरल, सही बात है। दूसरा है असर से नीजनिंग वाले क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया, इंडिया हैज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियली, ये भी दोनों सही है। देखो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन
जुडिशियल जो इंडिया का जो सिस्टम है वो क्वाजी फेडरल है, उसका जुडिशियरी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये वाला आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट द इज नॉट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये भी फीचर है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये फीचर नहीं है। ये वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो ना, ये हमारा फीचर नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। बात करते हैं यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। देखो, अगर आपको स्टेट बनाना है तो क्या का होना चाहिए, क्या आपके पास झंडा होना चाहिए, क्या कैपिटल होना चाहिए, या सॉबर्निटी होनी चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट। देखो, इन चारों एलिमेंट में सॉबर्निटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर और भी होता है, ये यहाँ पर बार बार अटक रहा है। लास्ट स्लाइड देख, लास्ट क्वेश्चन है ये, जो पता नहीं क्या हो गया इसको, पता नहीं आजकल क्यों अटक रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में ही इंक्लूड करेंगे इसको, बंद करते हैं।